किशनगंज की पुलिस द्वारा लॉकडाउन में कोरोना वायरस जैसे संदिग्ध मरीज के बचाव में फंसे भी लोगों के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाने का प्रयास शुरू किया गया। पहले बहादुरगंज थाना अधिकारी सुमन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी जुल्फिकार आदिल एवं अंचल अधिकारी के बीच खाद्य सामग्री लोगों को दिया गया। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत भी उपस्थित रहे। इन पदाधिकारियों द्वारा यह आश्वासन देते भी कहा गया कि देश और समाज के कल्याण और अपनी स्वयं की रक्षा हेतु घरों पर ही साफ रहें, सुरक्षित रहें और इसी से हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकेंगे। घर में ही रहना है, कोरोना है, खाना है, खाना है, ये इकट्ठा नहीं रहना है, दिन भर में चार दफा पांच दफा साबुन से हाथ धोना है, ये जमा नहीं होने जमा होने से लोग फैलते हैं, और ये नहीं गांव में एक दूसरे से नहीं मिलना, अपना घर में जैसे खड़ा है ना भी, ऐसे खड़ा होना है, ठीक है, और अपने अपने घर इसी तरह दूरी बना के रहना है, घर में ही रहना है, लिखा हुआ है, समझ गए ना, आप लोग को सबको घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, खाने का सामान है, बच्चा का बिस्कुट है, चावल है, ये सारा चीज है, आप लोग उसमें सारा चीज उसमें दिया हुआ है, घर से एक जगह जमा नहीं होना है, दो थुला में, दो थुला, समझ रहे हैं, आप लोग अपना अपना घर निकलिए, एक जगह जमा नहीं होगी, अलग अलग खड़ा रहना है, समझिए बात को, एक जगह जमा नहीं होना है, आप लोग नहीं इसका इसकी इसी को इधर घूमो उधर नते नते सामान पे नते।